तो हम हैं डॉक्टर दीपांजल हलधर साहब के साथ, जो MBBS हैं और वो कार्ड हॉस्पिटल मिरौड में काम कर रहे हैं। सर, ब्लड रिलेटेड जो डिसीज जो आप जिसके आप डॉक्टर हैं, उसमें मेजर जो होता है वो है कैंसर, जी जिस जो आज भी लोग जो है परेशान हैं, त्रस्त हैं उससे। उसका इलाज अभी भी कोई नहीं है क्या? कोई दवाई उसकी है या नहीं? कैंसर का, जैसे ब्लड कैंसर का, कुछ ब्लड कैंसर में काफ़ी सारे टाइप्स होता है, ऑलमोस्ट 50 के ऊपर ब्लड कैंसर का ये सब टाइप होता है। तो इसमें कुछ ऐसे ब्लड कैंसर्स हैं जिनका काफ़ी अच्छा इलाज आ गया है, तो ऐसे ब्लड कैंसर्स का इलाज करने से बहुत अच्छा आउटकम है, पेशेंट्स बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, कंप्लीटली क्योर्ड हो जाते हैं। आई थिंक धोनी युवराज को यही था ना? युवराज को बेसिकली कुछ और ही बीमारी था, वो जर्म सेल ट्यूमर बोलते हैं, मीडियास्टाइनम में जर्म सेल ट्यूमर बोलते हैं एक चीज़ बोलते हैं, तो वो चीज़ था। ब्लड कैंसर कंप्लीट डिफरेंट एक चीज़ होता है। मैं वही आपको जैसे बोला, ब्लड कैंसर के भी काफ़ी सारे सब टाइप्स होते हैं, तो उसमें से कुछ टाइप के ब्लड कैंसर होते हैं उसका आउटकम बहुत ही अच्छा होता है, कुछ टाइप के ब्लड कैंसर होते हैं उसका आउटकम थोड़ा खराब रहता है। तो वो कौन सा सब टाइप है ब्लड कैंसर का, प्लस पहले पकड़ा जाने से उसका आउटकम काफ़ी अच्छा होता है। अक्सर ये हम सुनते आए हैं कि ब्लड कैंसर जब क्रिटिकल लेवल को पार कर जाता है तब पता लगता है, क्या ये जी सच? ये सच है। इसका मेन कारण ये है कि लोगों में अवेयरनेस उतना नहीं है ब्लड कैंसर के बारे में, तो अर्ली फेजेस में काफ़ी टाइम मिस हो जाता है। जैसे काफ़ी टाइम लोगों का प्लेटलेट काउंट कम रहता है, हीमोग्लोबिन कम रहता है, WBC थोड़ा बहुत ज़्यादा रहता है या कम रहता है, तो लोग उसको दरकिनार कर जाते हैं, लोग उसको इग्नोर कर जाते हैं, तो इस वजह से काफ़ी टाइम ये फर्स्ट फेज में, इनिशियल फेजेस में मिस आउट हो जाता है, तो इसके वजह से इसका डायग्नोसिस काफ़ी लेट से होता है। तो ये कारण है जो कि आप बोल रहे हैं कि लेट पकड़ा था बीमारी, वो इसका ये कारण ही भी है। बाय द वे, क्या सिम्टम्स होते हैं ब्लड कैंसर के? जी, तो ब्लड कैंसर के सिम्टम्स काफ़ी वेग होते हैं, कभी काफ़ी बार पेशेंट को जैसा होता है, थोड़ा बहुत थकावट लगता है, थोड़ी बहुत बुखार आ रही है, कहीं कहीं पे स्किन पे लाल दाग आ रहा है, कहीं से ब्लीडिंग हो सकता है, वेट लॉस हो रहा है, तो ये सारे कुछ ब्लड कैंसर का सिम्टम्स हो सकता है। तो वो हेमेटोलॉजिस्ट जो है कुछ रूटीन ब्लड टेस्ट करता है, उसके बाद वो बोल सकता है कि इसमें ब्लड कैंसर सस्पेक्टेड है नहीं है, अगर सस्पेक्टेड है तो काफ़ी टाइम बोन मैरो टेस्ट करना पड़ता है। सो डू यू एडवाइज योर पेशेंट के इस तरह के सिम्टम्स जैसे दिखाई दे उनको तुरंत कहाँ जाना चाहिए? जी बिल्कुल, लेब डॉक्टर के पास? जी बिल्कुल। तो ऐसे जैसे मैंने आपको बोला, जैसे अगर बहुत थकावट लग रहा है, कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, स्किन में लाल दाग आ रहे हैं, वेट लॉस हो रहा है, फीवर आ रही है, रात के टाइम बहुत ज़्यादा पसीना छूट रहा है, ऐसा कुछ अगर होता है तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना तो चाहिए। इसका जो टेस्ट है वो कितना महंगा है? इसका जो बेसिक टेस्ट रहता है वो बस कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, उसका कुछ भी ऐसा कॉस्ट नहीं वो तो होता सस्ता ही है, है। 200-300 रुपये में हो जाता है। तो उसके बाद देख के हमें अगर शक होता है तो फिर हम आगे बोन मैरो टेस्ट, यानी हड्डी का जो मज्जा होता है जहाँ से खून तैयार होता है, अच्छा, वो टेस्ट फिर हमें करना पड़ता है। तो वो अगर शक होता है तो वो, जैसे हम लोग अगर 100 पेशेंट देखते हैं तो उसमें से एक या दो पेशेंट को वो टेस्ट में डेफिनेटिव कुछ हमें लगता है, CVC कंप्लीट ब्लड काउंट रिपोर्ट में ऐसा कुछ डाउटफुल है, तो उस केस उन पेशेंट्स को हम लोग को करना पड़ता है। बोन मैरो टेस्ट कितना खर्चीला है? बोन मैरो टेस्ट में अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलिए सारा कुछ मिला के 8 से 10 हज़ार रुपये तक का खर्चा आता है। सो दिस इज द ओनली टेस्ट वाई विच वी कैन डिटेक्ट, या इसके अलावा और भी कुछ प्राइमरी? कुछ ऐसे ब्लड टेस्ट भी रहते हैं, जैसे वो डिपेंड करता है, कुछ ब्लड अगर कैंसर सेल्स ब्लड में ही दिख रहे हैं तो उस केस में कई बार हमें बोन मैरो टेस्ट नहीं भी करना पड़ता है, अच्छा, तो अगर ब्लड में नहीं दिख रहे हैं तो उस केस में ज़्यादातर टाइम हमें बोन मैरो टेस्ट करना पड़ता है। तो इनिशियल कितने, कौन सी स्टेज पर आप उसको कंट्रोल कर लेते हैं ब्लड कैंसर को? हाँ, तो जैसे मैंने आपको बोला कि इसमें पूरा डिपेंड करता है ब्लड कैंसर का कौन सा सब टाइप है उस पर। ब्लड कैंसर का जैसे मैंने आपको बोला तकरीबन 50 तरह के सब टाइप हैं, तो उसमें अभी मान लीजिए जैसे कुछ ब्लड कैंसर होता है, जैसे CML हो गया, CLL हो गया, सारे ब्लड कैंसर के टाइप्स के नाम हैं, तो इनका जैसे ट्रीटमेंट करने से बहुत अच्छा आउटकम रहता है, कुछ का जैसे खराब आउटकम रहता है, AML हो गया, ALL हो गया, इनका रिलेटिवली खराब आउटकम रहता है। ओके सर, इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट पार्ट में।